हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जीएस बजाज, अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट पार्ट यू कैन सी इट इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यू विल सी दिस टॉपिक एट द पेज नंबर 280। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेस, विजिबल लाइट्स, अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस एंड गामा रेस, दे आर प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी। गामा रेस, दीज आर हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, एंड रेडियो वेव्स, दीज आर हैविंग मैक्सिमम wavelength. So these are placed in the order of wavelength or frequency. So this spectrum is called electromagnetic spectrum. This spectrum is continuous. So as I told, the gamma rays, these are having maximum frequency. So as you go down, the frequency will increase. आपको एक याद रखना है, gamma rays are having maximum frequency. Gamma rays की frequency सबसे ज्यादा होती है। अगर आपको याद रहेगा कि गामा रेस की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, सो यू कैन रिमेंबर दिस ऑर्डर। इसको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? गामा नाम का आदमी एक्सरे कराने गया UVI हॉस्पिटल में। गामा नाम का आदमी एक्सरे कराने गया UVI हॉस्पिटल में माइक्रोसा रेडियो लेकर के। गामा नाम का आदमी एक्सरे कराने गया UVI हॉस्पिटल में माइक्रोसा रेडियो लेकर के। अब यहां पे गामा क्या है? गामा इज गामा रेस। गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी एक्सरे की। गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? एक्सरे की। तो अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गामा रेस से कम फ्रीक्वेंसी वाली वेव कौन सी है, दीज आर एक्सरेस। तो ट्रिक क्या है? गामा नाम का आदमी एक्सरे कराने गया UVI हॉस्पिटल में माइक्रोसा रेडियो लेकर के। तो गामा एक्सरे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट रेस, यहां पर यू मतलब क्या है? अल्ट्रावायलेट रेस। वी मतलब विजिबल लाइट। आई मतलब इंफ्रारेड रेस। माइक्रो मींस माइक्रोवेव्स, और रेडियो मींस रेडियो वेव्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है तो गामा का वेवलेंथ सबसे कम होगा। रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जब आप ये बनाएंगे तो इसमें आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाएगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। गामा की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रेडियो का वेवलेंथ ज्यादा। अब रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो रेडियो से कम वेवलेंथ किसका होगा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का वेवलेंथ रेडियो वेव्स के कंपैरिजन में कम होता है। फिर इंफ्रारेड रेस, इसका वेवलेंथ और भी कम, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से ज्यादा होगी। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताइए माइक्रोवेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो हम नीचे जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो माइक्रोवेव से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? इंफ्रारेड रेस। क्लियर? माइक्रोवेव का वेवलेंथ इंफ्रारेड से ज्यादा होगा और इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव से कम होगी। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, किसकी है? गामा रेस की। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेडियो वेव्स का। सो लेट मी शो यू अनदर स्लाइड। दीज आर द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का वेवलेंथ कहां से स्टार्ट होता है? 400 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10^-9। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसा है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है।
रेडियो वेव्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो आप रेडियो वेव से इधर आएंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ कम होता जाएगा। अब बात करें हम रेडियो वेव की, तो आप मुझे बताएं रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रेंज कितनी है, 0.3 मीटर टू 600 मीटर। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ रेंज 0.3 मीटर टू 600 मीटर। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज है 5 × 10⁵ हर्ट्ज टू 10⁹ हर्ट्ज। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, आंसर लिखना है बाय एक्सीलरेटेड चार्ज। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, तो आंसर लिखना है बाय एक्सीलरेटिंग चार्ज। सो दीज वेव्स आर रेडिएटेड बाय एक्सीलरेटेड चार्जेस, और यू कैन से बाय ऑक्सीलेटिंग चार्जेस। सो रेडियो वेव्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटेड चार्जेस और दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीलेटिंग चार्जेस इन एलसी सर्किट। रेडियो वेव्स का सबसे ज्यादा क्या होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। रेडियो वेव्स के यूज क्या है, तो रेडियो वेव्स नाम में लिखा हुआ है, रेडियो मींस इन कम्युनिकेशन सिस्टम, सो रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइक्रोवेव्स। जैसा कि मैंने आपको बताया माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से ज्यादा होती है, लेकिन उसका वेवलेंथ कम होता है। माइक्रोवेव का वेवलेंथ रेडियो वेव से कम होता है, तो आप कह सकते हैं माइक्रोवेव्स है शॉर्टर वेवलेंथ। तो माइक्रोवेव का यूज रडार सिस्टम में किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइक्रोवेव का यूज रडार सिस्टम में क्यों किया जाता है, व्हाई इट इज यूज्ड इन रडार सिस्टम, तो आपको लिखना है बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ कम है एंड दे गो इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। माइक्रोवेव्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है विदाउट एनी डेविएशन, दैट्स व्हाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार सिस्टम। तो माइक्रोवेव्स का यूज क्या है रडार सिस्टम में, और रडार सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, यह भी बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आपको लिखना है बिकॉज माइक्रोवेव्स आर हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ एंड दे गो इन द स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डेविएशन, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव्स। नाम क्या है, माइक्रोवेव्स, एंड यू नो माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन में भी क्या यूज होती है, माइक्रोवेव्स। इन माइक्रोवेव ओवन माइक्रोवेव्स आर यूज्ड। अब एग्जाम में ये आता है कि माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव ओवन में क्यों यूज होता है, जो फूड होता है फूड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फूड होता है उसके अंदर क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो वाटर मॉलिक्यूल्स उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स क्यों यूज करते हैं, तो जो फूड होता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो वाटर मॉलिक्यूल्स माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, यहां पे रेजोनेंट कंडीशन अकर हो जाती है, तो उनकी एम्पलीट्यूड और उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, इस वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो माइक्रोवेव्स दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन, व्हाई, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सो दे विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम हीट, दैट्स व्हाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। तो मैंने आपको दो यूज बता दिए, देयर आर टू यूजेस ऑफ माइक्रोवेव्स, पहला है रडार सिस्टम एंड दूसरा है माइक्रोवेव ओवन। सो माइक्रोवेव्स आर शॉर्ट वेवलेंथ एज कंपैरिजन टू द रेडियो वेव्स, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन रडार सिस्टम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ आर माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस्ड, माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिवाइसेस क्लेस्ट्रॉन एंड गन डायोड्स। माइक्रोवेव्स जो डिवाइसेस प्रोड्यूस करते हैं उनका नाम है क्लेस्ट्रॉन गन डायोड, सो दे आर जनरेटेड बाय स्पेशलाइज्ड हाई पावर वैक्यूम ट्यूब्स। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस सच एज द
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ट्यूनल डायोड्स, गन डायोड्स एंड क्लेस्ट्रॉन। सो माइक्रोवेव्स, दो डिवाइसेस आपको याद रखने, माइक्रोवेव्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लेस्ट्रॉन एंड गन डायोड्स। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ रेंज, माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ रेंज कितनी है? 10⁻³ मीटर टू 0.3 मीटर। क्लियर? माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है वो रेडियो वेव से कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स आर 10⁻⁹ हर्ट्ज टू 3×10⁻¹ हर्ट्ज। नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट अनदर स्लाइड। एज आई डिस्कस अर्लियर, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। सो व्हाई? एज आई हैव डिस्कस अर्लियर दैट माइक्रोवेव्स दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन बिकॉज फूड कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, दे आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, हीट इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। एंड माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रेडार सिस्टम। व्हाई दे आर यूज्ड इन रेडार सिस्टम? बिकॉज दे आर हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ कम होने की वजह से बिल्कुल दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सो दे ट्रेवल विदाउट एनी डेविएशन, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन रेडार। तो माइक्रोवेव्स का दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन एज वेल एज दे आर यूज्ड इन रेडार सिस्टम। नाउ टेक केयर अबाउट दिस थिंग, metals reflect microwaves. So metal pans are not recommended to be used in a microwave oven. जो microwave oven होता है उसमें metal plates use नहीं करनी चाहिए. Why? Because metals reflect microwaves. Now let me discuss about infrared waves. These are heat waves. These are also called thermal waves. Infrared waves, these are called heat waves or they are also called thermal waves. Why? Because they produces heat. आपने पहले जो remote आते थे उस remote में आगे जो light लगी रहती थी, जो light आपको जलती हुई दिखाई नहीं देती थी, infrared waves are used in this remote. So infrared waves, they lies between the visible and the microwave. They are having wavelength shorter than microwaves. Microwaves se chota wavelength kiska hai? Infrared waves. They are also known as heat waves. Why? Because they produces heat. Infrared waves, they produce heat. So they are also known as heat waves. Their wavelength range, इंफ्रारेड वेव्स की वेवलेंथ रेंज क्या है? 8×10⁻⁷ मीटर टू 10⁻³ मीटर। ये वेवलेंथ रेंज आपको याद रखना है, 8×10⁻⁷ मीटर टू 10⁻³ मीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज 3×10⁻¹ हर्ट्ज टू 4×10⁻¹⁴ हर्ट्ज। सो इंफ्रारेड वेव्स दे आर कॉल्ड हीट वेव्स एज वेल एज दे आर कॉल्ड thermal waves. Now what are the sources of infrared radiations? Infrared radiation kaise produce hoti hai? They are produced by hot bodies like sun. Infrared radiation kisse produce hoti hai? They are produced by hot bodies like sun. So the higher the temperature of the body ka temperature zyada hoga to they will produce infrared radiations. The more vigorously its atom and molecules vibrate, जितना ज़्यादा उनका temperature होगा, vibration ज़्यादा होगा, and the more infrared radiation it produces. Infrared radiation की वजह से क्या होता है? Greenhouse effect. तो exam में आ जाए, greenhouse effect किसकी वजह से होता है? Infrared radiations. Greenhouse gases कौन कौन सी होती हैं? CO2, water vapor, methane, these are greenhouse gases. तो greenhouse gases, they absorb infrared radiations. Greenhouse gases, they absorb infrared radiations. दिन में जो greenhouse gases होगी वो sun से आने वाली
इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। रात को ज्यादा ठंड ना लगे तो कौन हेल्प करेगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। रात को ग्रीन हाउस इफेक्ट अगेन रीमिट करेगी इंफ्रारेड रेडिएशन। जैसे मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, मून पे ग्रीन हाउस गैसेस कम है, एटमॉस्फेयर नहीं है वहां, तो वहां पे रात का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। क्यों? बिकॉज ग्रीन हाउस गैसेस आर नॉट प्रेजेंट, सो दे विल नॉट एब्जॉर्ब हीट, और रात का टेम्परेचर वहां पे क्या हो जाएगा? -100 डिग्री से भी कम हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है? CO2, वाटर वेपर, जो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा बढ़ जाए तो अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो ग्लेशियर्स मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स ज्यादा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फ्लड ज्यादा आएंगे। क्लियर? तो ग्रीन हाउस गैसेस अगर ज्यादा इंक्रीज हो गई तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, इससे हर जगह पे क्या आएगा? फ्लड आएगा। सो इट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इट इज एन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओजोन लेयर किससे बचाती है? सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है। जो ओजोन लेयर होती है वो सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेस। क्लियर? ओजोन लेयर में जो गैस भरी रहती है दैट इज ओजोन, विच इज हैविंग फॉर्मूला O3। ओजोन इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस। लेकिन आप जानते हैं अंटार्कटिका में ओजोन होल क्रिएट हो गया था, जिससे अल्ट्रावायलेट रेस स्टार्ट हो गई थी। अल्ट्रावायलेट रेस से क्या हो सकता है? स्किन कैंसर हो सकता है। अब ये ओजोन होल किससे हुआ था? सो इट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हुआ था? ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट हो गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओजोन डिप्लीशन कौन सी गैस से स्टार्ट हुआ था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन रिलीज करता है? AC एंड रेफ्रिजरेटर्स। तो AC और रेफ्रिजरेटर्स क्लोरोफ्लोरो कार्बन को इमिट करते हैं, जिससे क्या हो गया था? ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन होने से ओजोन होल क्रिएट हो जाएगा, जिससे अल्ट्रावायलेट रेस, सन की अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ पे आ जाएगी, और इससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ये हीट को ट्रैप करके रखता है एटमॉस्फेयर में। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये हीट को ट्रैप करेगा। दिन में जो सन से आने वाली इंफ्रारेड रेज है उस हीट को ये ट्रैप करेगा, और रात को ज्यादा ठंड लगने से हमें बचाएगा। रात को दोबारा वो इमिट करेगा, जिससे हमें रात को ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहां का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। विजिबल रेस जिनकी हेल्प से हम देख सकते हैं, सो विजिबल रेस दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विजिबल रेस दीज आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विजिबल रेस जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जिस फील्ड की वजह से हम देख सकते हैं वो कौन सा फील्ड है? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम विजिबल रेस हमें देखने में हेल्प करती है। क्लियर? सो द ऑप्टिकल इफेक्ट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ विजिबल रेस। क्लियर? तो आप जानते हैं गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप
लेफ्ट टू राइट जाएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी और वेवलेंथ इंक्रीज होगा। क्लियर? गामा रेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा रेस की, उससे कम किसकी, एक्स रेस की, एक्स रे से कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यूवी रेस की, और उससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, विजिबल रेस। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बताइए विजिबल रेस से फ्रीक्वेंसी कम किसकी है, दैट इज इंफ्रारेड रेस। नेक्स्ट कौन है, इंफ्रारेड रेस। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विजिबल रेस से फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, अल्ट्रा वायलेट रेस। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है व्हाई अल्ट्रा वायलेट रेस आर कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट को अल्ट्रा वायलेट क्यों बोला जाता है, बिकॉज अल्ट्रा वायलेट रेस आर हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन वायलेट लाइट। विजिबल रेस की जो वायलेट लाइट है उससे जो जस्ट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो किसकी है, अल्ट्रा वायलेट रेस, इसलिए इसका नाम क्या है, अल्ट्रा वायलेट। विजिबल रेस की फ्रीक्वेंसी रेंज 8 × 10^14 Hz टू 4 × 10^14 Hz। तो आप देखिए अगर यहां पे भी 10^14 और 10^14 है, मीन्स पावर अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी रेंज किसकी होगी, विजिबल रेस की। ये विजिबल रेस को याद रखने का तरीका है कि फ्रीक्वेंसी रेंज में पावर सेम होगी एज वेल एज वेवलेंथ रेंज में भी पावर सेम होगी। वेवलेंथ रेंज में पावर 10^-7 to 10^-7, 4 × 10^-7 मीटर टू 8 × 10^-7 मीटर, और फ्रीक्वेंसी रेंज 8 × 10^14 Hz टू 4 × 10^14 Hz। क्लियर? तो वेवलेंथ रेंज में भी 10 की पावर सेम है, वेवलेंथ में 10^-7, फ्रीक्वेंसी में 10^14। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो पावर पॉजिटिव होगी 10^14, वेवलेंथ कम होता है 10^-7 to 10^-7। कोई बाहर दीवार के पीछे अगर कोई आदमी है तो हमें उसका साउंड सुनाई दे सकता है लेकिन वो दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है और विजिबल रेस की वेवलेंथ कम होती है। इसलिए दीवार के पीछे आदमी की आवाज को तो हम सुन सकते हैं लेकिन हम उसको देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि साउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है और विजिबल रेस की वेवलेंथ कम होती है। देख सकते हैं 4 × 10^-7 मीटर टू 8 × 10^-7 मीटर। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेस की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेस की, तो उससे कम किसकी होगी, एक्स रेस की। अल्ट्रावायलेट रेस की फ्रीक्वेंसी और भी कम होगी और विजिबल रेस की फ्रीक्वेंसी और भी कम होगी। तो विजिबल से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी, अल्ट्रावायलेट रेस की। इसका मतलब अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ विजिबल से कम होगा। क्लियर? लेफ्ट टू राइट जाओगे आप, वेवलेंथ बढ़ेगा। इसका मतलब विजिबल का वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेस के कंपेरिजन में ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया था अल्ट्रावायलेट का नाम अल्ट्रावायलेट क्यों है, दिस रेडिएशंस आर नेम्ड अल्ट्रावायलेट क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। अल्ट्रावायलेट रेस की फ्रीक्वेंसी विजिबल रेस वायलेट रेस की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। एक्स रेस दे आर प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सर्फेस। एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, दे आर प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सर्फेस। आप जानते हैं, आपने एक्सरे करवाया होगा इस तरीके से। क्लियर? इट इज यूज इन मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच रेस या विच वेव्स आर यूज एज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल। सो इट इज एक्सरे। मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल में कौन सी रेस काम आती है, एक्सरेस। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो कौन सी रिपोर्ट करवाता है, एक्सरे। वाई? बिकॉज एक्सरेज आर यूज, दीज आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस।
दैट कैन ईजिली पेनिट्रेट थ्रू मोस्ट ऑफ द मैटर। एक्सरे यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है। पेनिट्रेशन मीन्स आर पार करने की पावर ज्यादा होती है। तो जब हम एक्सरे करवाते हैं उसमें कौन सी वेव्स यूज होती है? एक्सरेस मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल में कौन सी वेव यूज होती है? एक्सरेस। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो कैसे पता पड़ता है? एक्सरे रिपोर्ट के द्वारा। और उसमें कौन सी वेव्स यूज होगी? एक्सरेस। द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेस, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेस, दीज आर प्रोड्यूस बाय बम्बार्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब किसी मेटल पे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ के चला जाएगा तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, और जब वो जंप करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर? देख सकते हैं आप, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे आएगा तो यहां से क्या निकलेगी? एक्स रेस। क्लियर? रेडिएशन थेरेपी और रेडियोथेरेपी, इन रेडियोथेरेपी एक्सरेज आर ऑल्सो यूज्ड एज वेल एज दे आर यूज्ड एज अ मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल। सो इन रेडियोथेरेपी एक्सरेज आर यूज्ड। गामा रेस का वेवलेंथ सबसे कम होता है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम में आ जाए, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है? सो इट इज गामा रेस। 1 मार्क में बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी है? दैट इज गामा रेस। क्लियर? गामा रेस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, आप जानते हैं। गामा रेज आर हैविंग हायर फ्रीक्वेंसीज एंड दे आर हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो कि सबसे कम होता है, अगर 4 ऑप्शन आ जाए तो आपको देखना है कि सबसे कम वेवलेंथ कौन सा है। जो सबसे कम वेवलेंथ होगा वो किसका होगा? गामा रेस। 0.6 × 10⁻¹⁴ मीटर। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेस की। तो 4 ऑप्शन गिवन हो, सबसे ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? गामा रेस की। 3 × 10⁻¹⁸ हर्ट्ज टू 5 × 10⁻²² हर्ट्ज। सो गामा रेस, दीज आर हैविंग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज मोर, सो दे विल हैव ग्रेटेस्ट एनर्जी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? गामा रेस की। और सबसे ज्यादा एनर्जी भी किसकी है? गामा रेस की। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। प्लीज वॉच वीडियो अगेन एंड अंडरलाइन ऑल द बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस। आप बार बार वीडियोस देखें और अंडरलाइन करें। पेज नंबर 280 से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्टार्ट है। उसके बाद आप जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस करें उन क्वेश्चंस को आप लिख लें। क्लियर? थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे।